For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Salman Khan se lekar Ali Baba Zafar tak har kisi ko bha gaya hai Abu Dhabi. Yes, well hello guys and welcome to Movies Adda. This is Jyoti Nahak and इस वीडियो में मैं बात करूंगी, थोड़ी पुरानी बातें की जाएंगी। अपडेट्स तो आपको बहुत मिलती रहती हैं, लेकिन कुछ पुराने किस्से, कुछ पुरानी यादें ताज़ा की हैं सलमान खान ने, क्योंकि भारत जो है वो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट तो साबित हो ही चुकी है बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन उसके अलावा अगर मैं कलेक्शन वाइज भी बात करूँ बॉक्स ऑफिस के साथ साथ लोगों के दिलों में भी भारत ने बहुत ज़्यादा जगह बना ली है। पार्टीशन की एक तरीके से स्टोरी दिखाई गई है, एक फैमिली बॉन्डिंग है, फैमिली फिल्म है, आप फैमिली के साथ जाके ये फिल्म देख सकते हैं। लेकिन जब ये फिल्म ख़त्म हो चुकी है, एक तरीके से फिल्म का रिजल्ट आउट हो चुका है, फिल्म ने 2019 की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, राधा राय से सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर, क्योंकि फर्स्ट कबीर सिंह बन चुकी है। 423 मिलियन का बिजनेस किया है इस फिल्म ने, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट विदाउट एनी डाउट। लेकिन इन सब के बाद अब एक इंटरव्यू में हाल ही में सलमान खान ने काफ़ी बातें शेयर की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए भारत फिल्म से शूट के दौरान, और साथ ही साथ आबू धाबी में जब वो शूट कर रहे थे किस तरीके से जो है वहाँ का इन्वायरमेंट उन्हें बहुत पसंद आया। सलमान को आबू धाबी भा गया क्योंकि वहां पे बड़ी क्वाइटनेस है, हर कुछ किलोमीटर्स बाद एक टेरेन चेंज हो जाता है, उन्होंने साफ साफ कहा। साथ ही एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि बड़ा ही ब्यूटीफुल सा और शांत इलाका है कि आप शांतिपूर्वक वहाँ शूट कर सकते हैं। जी हाँ, साथ ही अली अब्बास जफर ने भी इस बात को कहा कि वो कुछ सिमिलैरिटी देखते हैं मिडिल ईस्ट में और अबू धाबी में, जिस तरीके से एक इंडियन कल्चर है वहाँ पे कहीं ना कहीं, चाहे आप खाने की बात कीजिए, चाहे आप लोगों के बिहेवियर की, हॉस्पिटैलिटी की बात कीजिए, सो दिल खोल के स्वागत किया जाता है वहाँ पर भी लोगों का। और सलमान जबकि लोगों के स्वैग से स्वागत करते हैं तो उनका भी हर जगह दिल खोल के स्वागत होता है। तमाम तरह की बातें और भी शेयर की पूरे कास्ट एंड क्रू ने, किस तरीके से भारत जो है वो वहाँ पे शूट हुई, किस तरीके से वहाँ पे एक 15-20 दिन का स्केड्यूल था जिसको पूरा किया गया, लगभग एक कड़कती धूप में, धूल मिट्टी में वहाँ पे शूट हुई, लेकिन उसके बावजूद एक अलग सी शांति है वहाँ पे, एक अलग सा पीस मिला टीम को वहाँ पर शूट करके। ये सारी बातें सलमान ने अब जाके शेयर की अपने फैंस से, कुछ बिहाइंड द मोमेंट टॉक्स की सलमान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, हाल ही में एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है सलमान और कटरीना का, जहाँ पर वो शादी के जयमाला, जो वरमाला जिसे हम कहते हैं, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं बता दूँ कि वो वीडियो जो है वो सिर्फ शूट का वीडियो है, ऐसा कोई रियल वीडियो नहीं है। आई नो सब लोग चाहते हैं रियल वीडियो हो जाए, बट इस तरीके से जो है कुछ सुपर्ब केमिस्ट्री रही भारत की टीम मेकर्स की, भारत के एक्टर्स की, और भारत की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी बैठ गई ऑडियंस के साथ, यानी कि भारत की जनता के साथ, इसीलिए फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हो गई। सलमान खान की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स बन गई, उसके साथ साथ हाईएस्ट ओपनिंग ग्रॉसर भी बन गई 2019 की। जी हाँ, आपने अभी तक भारत देखी या नहीं देखी? नहीं देखी तो जाओ देखो, भारत फैमिली फिल्म है, फैमिली के साथ जाओ, इमोशनल होकर जरूर लौटोगे आप, दिल में और चेहरे पे एक मुस्कान जरूर होगी। सो फिल्म जरूर देखिए, और नहीं देखी है तो प्लीज़ देख, अगर देख लिए तो देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसी लगी फिल्म। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।